तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इस फोन का स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा फ्लिकरिंग कर रहा है। तो इस फोन को मैं आपके सामने ही ठीक करके दिखाऊंगा अभी। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए फास्ट से लेकर लास्ट तक देख लेंगे एक बार, आपको एक एप्लीकेशन की मदद से आप अपना फोन को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है OLED सेवर। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, चाहे तो प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और इसकी तरह मैं दो एप्लीकेशन और दे दूंगा, आप उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वो एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अभी आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर देना है। तो गाइस यहाँ पर कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है विजेट जो लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक कर दूंगा देखिए फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा और यहाँ पर आपको एनेबल कर देना है। और यहाँ पर आपको जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है आप वहाँ पे आपको फॉलो कर देना है, नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके जाना है आपको। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके चला जाता हूँ और नेक्स्ट कर देने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर आपको इसको एनेबल करना है। जैसे ही एनेबल यहाँ पर कर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एनेबल करके आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर आपको देख लेते हैं, यहाँ पर मैं एनेबल कर देता हूँ। जैसे ही एनेबल करूँगा देखिए फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा और यहाँ पर आपको परमिशन देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं परमिशन दे देता हूँ और यहाँ पर जैसे ही परमिशन देंगे फिर आपको बैक आना है। तो यहाँ पर मैं बैक चलाता हूँ और बैक आने के बाद फिर आपको वहाँ पे एनेबल करना है। फिर आपको एनेबल जैसे ही करेंगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको चलाना है और यहाँ पर आपको जो मोर डाउनलोड है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं अभी इसको क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेन चीज़ है, यहाँ पर आपको देखना होगा, ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर आपको बाद में बोलेंगे यहाँ पर नहीं हुआ मेरा। तो यहाँ पर आपको जाना है और जाने के बाद यहाँ पर जो वोल्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन कर देंगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑन हो चुका है और यहाँ पर ओके करके यहाँ पर फिर आपको बैक कर देना है। और जैसे ही बैक कर देंगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर आपको एक्सेसिबिलिटी पर ऑन कर देना है। और जैसे ही ऑन कर देंगे फिर आपको बैक आना है और बैक आने के मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर आपको फिर ऑन कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं फिर ऑन कर देता हूँ और इस बार ये एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, पर मैं इसको एनेबल कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर है ब्राइटनेस, यहाँ पर इसको रहने देना है और यहाँ पर है लॉक्स है, यहाँ पर जो इसको भी रहने देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी है उसके जगह रहने देना है और इसको डू नॉट यूज में रखना है। तो यहाँ पर आपको चलाना है और यहाँ पर जो ब्राइटनेस है यहाँ पर आपको 200 से ज़्यादा, नहीं तो मिनिमम 200 ही रखना है। तो यहाँ पर जैसे ही रख देंगे तो गाइस यहाँ पर आपको सेट हो चुका है। छोटा छोटा चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल जो स्क्रीन है फ्लिकरिंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल साफ हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल इसको आपको डिलीट नहीं करना है, आपको फोन में रहने देना है और इसका पेज जो है इसको क्लियर मत कीजिए। अगर आपको एक बार क्लियर कर देंगे तो आपको फोन बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे बिल्कुल ऐसे ही रख देना है, क्लियर नहीं करना है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिर्फ आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, जाके यहाँ पर आपको सर्च करना है OLED सेवर। तो गाइस यहाँ पर मैं जैसे ही सर्च कर देता हूँ यहाँ पर वो एप्लीकेशन यहाँ पर हाजिर हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये है वो एप्लीकेशन जिसकी मदद से अपना फोन को आप ठीक कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए और इसी तरह का मैं दो एप्लीकेशन अपना डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अगर ये काम नहीं करेगा तो आपका फोन में वो वाला एप्लीकेशन का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो प्ले स्टोर पर आप सभी एप्लीकेशन मौजूद है, तो यहाँ पर आप डाउनलोड कीजिए, आराम से यूज कीजिए, आपका फोन को एकदम ठीक कर दीजिए। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस।